कि लेट्स स्टार्ट विद द फ्रीजिंग पॉइंट सिंस द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रपोशन टू द दल्यूट मुलालिटी एंड डिटरमाइन बाय द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यूजिंग द फार्मूला इसमें क्या है कि जैसे मान लो अगर हमने कुछ भी ऐड किया कोई सोल्यूट ऐड कर दिया जैसे मान लो कोई सोल्यूशन जैसे ऐसा समझो पानी लिया और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है कितना है कितने जीरो डिग्री जीरो डिग्री पर फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया अब उसमें आपने क्या कर दिया कुछ सल्यूट जो नॉन बोला टाइल सल्यूट है उसको ऐड कर दिया आपने अब नॉन बोला टाइल सल्यूट को ऐड कर दी तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट घट गया अब जैसे वाटर का हंड्रेड डिग्री होता है और उधर जो चेंज हुआ तो उसका डिफरेंस कर दो वही क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है ठीक है तो जैसे फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज ग्रेटर देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है एम क्या है ये डायरेक्टली होता है ये प्रोपोर्शन साइन हटा दो तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू होगा के एफ इन एम है यहाँ पे आप देखो के एफ जो है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो कांस्टेंट बोलते हैं ये हमारा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जा सकता है बाकी जैसे ये आई जो है कभी कभी जब इस्तेमाल करेंगे जब वान्टा फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तब वहां पे हम लोग लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई करोगे कब करोगे जब जहां पे हमें पता रहे वान टाफ फैक्टर का इस्तेमाल करना वहां की अगर हम बात करें तब इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है इनिशियल जो फ्रीजिंग पॉइंट रहा लेकिन सल्यूड को एड करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज हुआ उसी को हम लोग क्या जो डिप्रेशन आया जो गिरावट आई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलूशन प्रिपेयर बाय द डिजोल्विंग फोर पॉइंट सेवन फाइव ग्राम सोडियम क्लाइड है इंटू हंड्रेड ग्राम एस टू ओ है के एफ की वैल्यू दिया है वाटर का वैल्यू दिया है तो अब ध्यान रखो क्या फार्मूला क्या लगना है आपको देखो तो फार्मूला तो यही लगना ना कि डेल्टा यहाँ पे जो सॉल्व करना है आपको Tf आपको दिया ही है और फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है तो टी एफ जो है वो क्या है कि एक फ्रीजिंग पॉइंट जो भी होगा और वो नया वाला कितना आया उसका डिफरेंस होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट वही से निकाल लेंगे मोलेलिटी की बात कर रहे हैं मोलेलिटी हमें निकाल लेना है क्योंकि फोर पॉइंट सेवन ग्राम जो है दिया हुआ है तो ग्राम जो है एस टू दिया हुआ सालवेंट भी दिया हुआ है तो सारे चीजें हो जाएंगे तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है तो पहले मोलल्टी तो मोल्टी आप देखो मोल्स आप सल्यूट अपान सालवेंट तो फोर पॉइंट सेवन फाइव ग्राम जो है एनएसएल है मोल्स अपान क्या करोगे अपान जो है क्या कर दिया फिफ्टी एट पॉइंट फोर फोर से डिवाइड कर दिया और कितना वाटर दिया जीरो पॉइंट वन के आपका मोल्टी आ गई क्या गे? आ गई मोलल्टी आ गई टीबी के बी के एफ इंटू एम कर दोगे नेक्स्ट क्या कर दोगे आप के एफ इंटू एम कर दोगे तो डेल्टा टी एफ टू क्या हो जाएगा टू पॉइंट है ये वैल्यू निकाल लिया माइनस टू पॉइंट नाइन एट आ गया आपका और टी एफ जो है क्या हो जाएगा टी एफ जो आएगा जी, जीरो डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस ये वैल्यू घटा दोगे जब ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू पॉइंट नाइन एट आ गया ठीक है इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कोई दिक्कत है नहीं